अपने दुनिया भर के मतलब आइटम कर दिए, लाली योजना फलानी योजना, दुनिया भर के गैस सिलेंडर के बारे में भी इन्होंने घुमा दिया जनता को, दबा के रखा है ना। वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम विकास देख रहे हो आप, मल्टीनेशनल पार्किंग, ये सड़कें, ये सुरक्षित माहौल। चाचा भी कह रहे हैं कि आज इस देश में सब लोग सुरक्षित है। ये भारतीय जनता पार्टी ने माहौल निर्मित किया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस ग्वालियर चंबल में पता नहीं चलता कब किस में गोली मार दी जाए। पूरी दुनिया इसराइल के समर्थन कर रही है। सुनो मेरी बात, कौन सी दुनिया का नाम बताओ मेरे को, कौन सी दुनिया का? अमरीका है, फ्रांस है, और अरब देश ने किया क्या किसी ने? बता दो एक अरब देश का नाम। ये भले ही 26 के साथ लड़ ले चाहे 66 के साथ लड़ ले, देश का युवा मोदी जी को पसंद करता है ना कि राहुल गांधी। आत्मबल होता है, जो लीडर की पर्सनालिटी होती है वो खुद ही नहीं है राहुल गांधी में, तो देश का युवा क्या उसको यूथ एकन बनाएगा। जब मोदी जी चलते हैं ना, तो सभी विश्व के लीडर जितने भी बड़े लीडर हैं ना, वो देखते हैं मोदी जी की तरफ, मोदी जी का अनुसरण करते हैं। बहुत से मुद्दा है, राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, क्या मुद्दा है बताओ? आज तक हटा पाई कांग्रेस? नहीं हटा पाई। और बीजेपी ने हाल क्या हटा दिए, तो कहीं ना कहीं दम तो है ना बीजेपी में। भाजपा भी जोर लगा रही है और कांग्रेस भी जोर लगा रही है। जोर लगा रही है भाजपा ने, दुनिया भर के मतलब आइटम कर दिए, लाली योजना फलानी योजना, दुनिया भर के गैस सिलेंडर के बारे में भी इन्होंने घुमा दिया जनता को। 4.5 की जगह वो आ गया 650 पे, तो घुमाने फिरने में बात चल रही है। मतलब ये जो गारंटी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम 400 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, तमाम गारंटी दे रहे हैं। वो भी तो गारंटी दे रहे हैं ना, गारंटी हुई है ना भाई उनकी, 5 गारंटी कर्नाटक में दिए, वो 5 लागू कर दिए, वो उनकी गारंटी सही है, इनकी कोई गारंटी नहीं। भाजपा की योजनाओं से क्या दिक्कत है जरा ये बताइए। अरे योजना कोई दिक्कत, अरे ये भाई ये सारी जो है बकवास करते, कुछ नहीं करते, जमीन पे कुछ नहीं है। मतलब ये हमने ऐसा कर दिया फलाना कर, देश को कांग्रेस दिख नहीं रही है मध्य प्रदेश में। जैसे ना कोई नाम दिया है, अभी बीजेपी ने 80 नाम दे दिए हैं, कांग्रेस ने एक नाम भी नहीं दिया है अभी तक। नाम ऐसे नहीं है, जीते ही है कैंडिडेट, ऐसे थोड़ी देती है उठा के हर एक का नाम दे दिया का नाम है। फिर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, तो राहुल गांधी जो बोलते हैं उनका भी समर्थन आप करते होंगे। राहुल गांधी अभी अमेरिका जाकर ये बोल के आए थे कि मुस्लिमों की हालत हिंदुस्तान में बड़ी खराब है। नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, मुसलमानों की हालत खराब। वो तो गांधी क्यों बोल, लोगों ने कर रखी है भाई, चैनल ऐसे नहीं है। मतलब मैं पूरे वर्ल्ड का मुसलमान जो अपने इंडिया के अंदर है वो उसके मुकाबले कहीं नहीं है, सबसे खुशहाल है इंडिया में। सही, क्यों? क्योंकि हमारे हुजूर जो उन्होंने पैगंबर ने खुद फरमाया कि आपका जो है ना वो सब प्रोग्राम यहीं पर ही बनेगा, बिल्कुल जो जहाँ आप सब लोग खुश रहोगे। तो नहीं लगता राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं? नहीं, बुराई नहीं है, राजनीति के सब अपने अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मतलब क्या ये है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। बस प्रताड़ित है मुसलमान भारत में, डरते हैं मुसलमान, डरने दबा के रखा है ना। वो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ऐसा कर रही है फलाना कर रही है। कल ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, किसी से नहीं, हम नहीं डरते किसी से, हमें कहा डरना उसे, अल्लाह से डरते हम तो, सिर्फ और किसी से नहीं डरते। फिर उसके सिवा और किसी से जाना जाना सबको ही, एक दिन ये साथ सब उसके हाथ में, जीचा जब खींच लेगा पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है भाई साहब? प्रतीक शर्मा। शर्मा जी, क्या लग रहा है माहौल, क्या चुनाव का? एक नंबर। तारीखों का ऐलान हो गया है? हो गया है, 17 को वोट है। तो क्या लग रहा है, कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की लिस्ट क्यों नहीं जारी की है? कांग्रेस क्या उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, कांग्रेस अंदर से सहमी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये विकास देख रहे हो आप, मल्टीनेशनल पार्किंग, ये सड़कें, ये सुरक्षित माहौल। चाचा भी कह रहे हैं कि आज इस देश में सब लोग सुरक्षित है, मैं भी कह रहा हूँ मैं सुरक्षित हूँ यहाँ खड़ा हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने माहौल निर्मित किया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि इस ग्वालियर चंबल में पता नहीं चलता कब किस में गोली मार दी जाए। डकैतों का अड्डा हुआ करता था ग्वालियर चंबल। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा कि या शिवराज रहेगा या डकैत रहेगा ग्वालियर चंबल में। आज शिवराज सिंह चौहान CM है, डकैतों का सफाया होगा। आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो जो विकास देन है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अच्छा, मध्य प्रदेश पर एक धब्बा था, बीमारू राज्य इसको कहते थे, अभी क्या है? अब क्या बीमारू राज्य, आपने कहीं सुना है क्या मध्य प्रदेश कहाँ? लोग वहाँ कहते थे मध्य प्रदेश क्या है, कुछ नहीं है, बीमारू राज्य। और ग्वालियर चंबल अंचल तो हमारा सबसे पहले बीहड़ कहलाता था, ग्वालियर चंबल अंचल। अरे भैया, डकैतों का वो मूवी भी आई थी कि आने का टिकट तो कराना ग्वालियर से, लेकिन जाने का टिकट मत कराना। लेकिन आज सुरक्षित तो है ग्वालियर में, हर तरह से कानून व्यवस्था एक नंबर है, सुदृढ़ है, विकास भी हुआ है ग्वालियर चंबल अंचल का। सारी चीज़ें भाजपा सरकार की ही देन है जो भाजपा ने किया है। जो धब्बा था पिछड़े राज्य का, बीमारू राज्य का, वो हट गया बीजेपी सरकार? वो तो हटी, 1000 बिस्तरों का अस्पताल तैयार कराया है मल्टीनेशनल, तो अब कहाँ से बीमारू राज्य रहा मध्य प्रदेश?
मध्य प्रदेश नित्य तरक्की कर रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, क्या नहीं है मध्य प्रदेश में, हर चीज़ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का युवा जाके अदर कंट्रियों में जॉब कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य का जो धब्बा था वो शुरुआती 5-7 साल में हट गया था। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी इसके बाद से हैं, तो उसमें क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी 26 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, भले ही 26 के साथ लड़ ले चाहे 66 के साथ लड़ ले, देश का युवा मोदी जी को पसंद करता है, ना कि राहुल गांधी। कन्फ्यूज लीडर मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, ठीक है, कन्फ्यूज लीडर के नहीं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अभी राजस्थान के और जो अभी चुनाव की घोषणा हुई, तो वो कह रहे हैं राजस्थान से भी साफ होगी, राजस्थान में भी हारेगी, तेलंगाना में, फिर वो कह रहे हैं अरे सॉरी राजस्थान में हम फिर से जीतेंगे। तो भैया, जो जिसको स्वयं पे जो आत्मबल होता है, जो लीडर की पर्सनालिटी होती है, वो खुद ही नहीं है राहुल गांधी में, तो देश का युवा क्या उसको यूथ आइकन बनाएगा? पर्सनालिटी क्या है? कुछ नहीं है राहुल गांधी के। जब मोदी जी चलते हैं ना, तो सभी विश्व के लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं ना, वो देखते हैं मोदी जी की तरफ, मोदी जी का अनुसरण करते हैं। बड़े बड़े नेता, ट्रंप चाहे वो क्या नाम आपके ये हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे इटली के हों, जो बाइडन हो, कोई भी हो, मोदी जी से आज देने का काम कर रहे हैं, मोदी जी सलाह लेने का काम करते हैं, चाहे कहीं भी कुछ भी हो, मोदी जी एक वैश्व लीडर के तौर पर उभर के आते हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो, मोदी जी शांति वार्ता की बात करते हैं, जो अपने G20 समिट हुआ उसमें मोदी जी ने विश्व एक परिवार है ऐसी कल्पना की, वन अर्थ वन मतलब सारे वसुधैव कुटुंबकम की थीम दी कि हमारा सारा विश्व एक परिवार है। इतना डेवलप सोच कहाँ राहुल गांधी विकसित कर पाएंगे, अभी उन्हें तैयारी करनी। अच्छा, हाल ही में भी इसराइल और फिलिस्तीन मामला चल रहा है, हमास ने जो वो किया है, हमारे देश के एक स्वरा भास्कर हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाना माना चेहरा है, वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही हैं। स्वरा भास्कर जी वो ये जिनमें कन्हैया कुमार का सपोर्ट करने जी एनयू पहुंच गई थी, वही स्वरा भास्कर है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो जेएनयू में नारे लगाए थे कन्हैया कुमार ने, उनका भी सपोर्ट किया था उनने। तो स्वरा भास्कर जी एक महिला है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस देश में समर्थन करने का, अपने विचार रखने का सबको अधिकार है। लोग मर चुके हैं इसराइल के अंदर, उसके बाद वो ऐसी टिप्पणी कर रही है, ट्वीट कर रही है, हमला हुआ है ना, चाहे वो इसराइल हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो, कोई भी देश का कोई भी नागरिक मरता है ना, तो वो मानवता पे हमला होता है, वो किसी के सगे नहीं है। वो नहीं देखते कि तुम हिंदू हो के मुस्लिम हो के क्रिश्चन हो के सिख हो के ईसाई हो कौन हो, वो मानवता पे हमला है, वो गलत है। इंसान का खान साहब, इसका जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि इसराइल पे जो हमला किया है हमास आतंकवादी एक संगठन है, उसका आप समर्थन करते हैं एज ए इंडियन मुस्लिम होने के नाते? नहीं नहीं, मतलब ऐसा है कि इसराइल का भी तो वो है ना, वो फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन की जमीन उसे दबा रखी है, दबा रखी है ना, जितने भी देश बैठे हुए वो अमरीका जो चलिए वो कब्जा किया हुआ है, वो मसले हर एक किसी में होते हैं, हमारे कश्मीर में भी मसला है, लेकिन जिस तरीके से यहूदियों के छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह हमास जो आतंकी संगठन उसने हमला किया, क्या वो सही था? नहीं, इसके बारे में तो गलती है उनकी, क्या नाम है, ऐसे हमला नहीं कर, चेतावनी देके हमला करना चाहिए, चेतावनी देके हमला करना चाहिए था। हजारों लोग, बच्चे बड़े सब मरे हैं इसराइल के अंदर, पूरी दुनिया इसराइल का समर्थन कर रही है। सुनो मेरी बात, कौन सी दुनिया का नाम बताओ मेरे को, कौन सी दुनिया का, अमरीका है, फ्रांस है, और अरब देश ने किया क्या, किसी ने बता दो एक अरब देश का नाम भी कर रहे हैं समर्थन, दो तीन देशों को छोड़कर सारे समर्थन, सिर्फ ईरान समर्थन में फिलिस्तीन के, बाकी सारे अरब कंट्री इसराइल के समर्थन में। अरब ने खुद भाई घोषणा कर दिया नाम है हिजबुल्लाह के संगे, अब किसकी बात करो आप, और देशों को छोड़िए, आप हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, आप किसका समर्थन करेंगे, इसराइल का या फिलिस्तीन का? हम तो आतंकवादी का मतलब बिल्कुल वो करते विरोध, सेडी चोटी का जोर लगा रही है इस बार। अरे उससे क्या मतलब होता है, एडी चोटी का हर पार्टी लगाती है वो तो, लेकिन इस बार फिर बीजेपी की बने ही नहीं लगता, कांग्रेस में कुछ दम दिखाई दे रहा है यहाँ पे? देखो, दम तो हर पार्टी में है और सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने अपने वादे करते हैं, लेकिन जो जनता का रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। बहुत से मुद्दा है, राम मंदिर ले लो, 370 ले लो, क्या मुद्दा है बताओ, आज तक हटा पाई कांग्रेस? नहीं हटा पाई, और बीजेपी ने हलके हटा दिए, तो कहीं ना कहीं दम तो है ना बीजेपी में। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर बनाने से विकास थोड़ी ना होगा, जो पैसा राम मंदिर में बनाया। हमारी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा एक धर्म है कि राम मंदिर का जो मुद्दा हल हुआ है वो सबसे बड़ा था हमारे यहाँ, वो हल किया बीजेपी में, हमारे लिए बीजेपी बहुत अच्छी है। और क्या किया है राम मंदिर के अलावा, 370 मंदिर के अलावा क्या नहीं किया, मैं तो ये पूछ रहा, किसी से भी आप पूछ लीजिए कि क्या नहीं किया बीजेपी ने, हर किसी के लिए, महिलाओं के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, वृद्धों के लिए पेंशन योजना चलाई है, तीर्थ योजना चलाई है, तो क्या नहीं दिया, सबके लिए तो दिया है,
तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खत्म कर दिया देश को। ऐसा कुछ नहीं है, तानाशाही तो जब मानी जाती है, जब बीजेपी की सरकार जब होती है ना, तब आदमी एक महसूस करता है कि हम बहुत अच्छी सरकार में जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में इतने घोटाले हुए, वो आपको भी पते होंगे, बहुत सारे घोटाले चले हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में दम तो है। तो बीजेपी वापस आ रही है मध्य प्रदेश में? 110% बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल।